तो आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, 5-6 दिनों के बाद फाइनल व्लॉग आ रहा है हमारा। काफ़ी अमेजिंग व्लॉग है। जैसे कि आज जा रहे हैं हम मथुरा के प्रेम मंदिर में, जो कि कृष्ण जी का मंदिर है दोस्तों। तो फाइनली आज मैं अपने जा रहा हूँ भाई के साथ, जो कि पुनीत है। मतलब उसको ही पता है इस जगह का, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो फिलहाल वो रेडी हो चुका है, तो निकलने का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो टाइम ना ख़राब करते हुए तो निकलते हैं यहाँ पर, और आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू लोकेशन पे। तो तब तक के लिए दोस्तों फिलहाल बाय। आप पीछे जाए थे, मतलब छोड़ दिया सुने में। तो फिलहाल अभी चले प्रेम मंदिर, तो अभी फिलहाल काफ़ी चलना है। तो हमारे हमारे भाई हैं आज पुनीत, तो ऐसे पता है मैं वृंदावन आया हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं घूमने प्रेम मंदिर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे मेरे साथ जब तक के लिए, फिलहाल बाय। तो दोस्तों ये आ चुके हैं प्रेम मंदिर। तो दोस्तों ये फिलहाल बाहर का व्यू है, अभी जैसे देख रहे हो दोस्तों लाइन लगी है। तो फिलहाल लगते हैं लाइन में अभी और चलते हैं फिलहाल अंदर अभी। तो दोस्तों जब तक वीडियो में बने रहे मेरे साथ अभी, तो चलते हैं फिलहाल लाइन में लगते हैं अभी। कहीं जाके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे होता है, लोग बनता है आगे, तो देखते रहिए दोस्तों मेरे साथ बने रहते। दोस्तों तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मंदिर के अंदर। तो दोस्तों ये पीछे देख रहे हो गेट है। तो दोस्तों ये अंदर देख रहे हो, ये प्रेम मंदिर है पीछे। तो दोस्तों पहले हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर, तो फिलहाल चलते हैं अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया अंग्रेजों का मंदिर, तो वहाँ का देख लिया आपने कैसा। तो अभी फिलहाल चलते हैं अभी अंदर। तो दोस्तों ये देख रहे जैसे गार्डन है। तो दोस्तों ये कालिया नाग जैसे, और ये सभी इनकी पत्नियाँ हैं। तो फाइनल दोस्तों तो चलते हैं अभी, चल रहे आगे अभी। तो इसके अभी जाएंगे फिलहाल अभी अंदर। दोस्तों देखो फिलहाल भी कितनी भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों अभी रात के टाइम तो मतलब काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, अभी तो फिर भी मतलब कम है आगे से। मतलब पहले हम आए थे तो रास्ता मतलब काफ़ी लाइन थी लंबी तक, इसलिए मैं आगे चले गए पहले ही। तो फिलहाल अब देखते जाते अभी अंदर, तो हमें कम से कम रात तो हो ही जाएगी यहाँ पर आई थिंक। हाँ घूमते घूमते रात हो जाएगी। हाँ तो कैसे काफ़ी बड़ा मंदिर है ना जैसे, तो ऐसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ मैं घूमने के लिए। तो चलते हैं फिलहाल दोस्तों आगे, बैक का ट्रिप। और ये हमारे गाइड हैं, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं पता है, अगर मैं आगे बात गया तो ढूंढ लेना खुद ही। तो फिलहाल चलते हैं फिलहाल दोस्तों अंदर अभी, और मंदिर का बैक का भी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। दोस्तों ये देखो माँ मार की, दोस्तों जैसे कि ये मूर्ति है। तो दोस्तों ये पीछे हमारे कृष्ण भगवान और उनके भाई माँ मार की, दोस्तों लड़ाई क्या बताया गया यहाँ पर। दोस्तों ये पीछे देखो गार्डन जैसे। तो ये फिलहाल लोग हैं यहाँ पर अभी आए हैं काफ़ी दूर से, और आपको पता है मैं अभी कितनी दूर से आया हूँ घूमने के लिए खास। तो दोस्तों आज के दिन मैंने एक दिन में कम से कम 2 ब्लॉग शूट कर लिए हैं, जो मैं टर्न बाय टर्न डालूँगा यहाँ पर, ऊपर जाके फिलहाल एडिट करेंगे ब्लॉग। तो ये दोस्तों ये पीछे है मतलब कंटीन ही कैसे, खाने पीने का कुछ मन करे तो यहाँ पर खा सकते हैं। और ये देखो पीछे दोस्तों व्यू पीछे का मंदिर का। तो अभी देखते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर कौन सी अभी देखने वाली हैं फिलहाल। तो देखते हैं, भूख लगती है, देखते हैं पूछता हूँ खाने मन है कि नहीं कुछ अभी। भूख लग रही है अभी नहीं, अभी और कुछ भी है पीछे भी है ना वहाँ पर। अभी तो बहुत है। चलो फिर दोस्तों फिलहाल चलते हैं अभी आगे, तो आगे देखते हैं लोकेशन कौन सी है अभी।
दोस्तों देते हैं, जब तक के लिए बाय। क्या करती हैं दोस्तों? फिलहाल अभी पी रहे हम चाय अभी, तो दोस्तों यहाँ पर रेट अभी काफ़ी हाई है, यहाँ पर काफ़ी महंगा सामान है, इसलिए हम सिर्फ चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पर होगी। तो जब तक के लिए अभी चाय पीते हैं दोस्तों, तो जब तक वीडियो बने रहे मेरे साथ, जब तक के लिए दोस्तों फिलहाल बाय। तो दोस्तों फाइनली अब आ चुके हैं चाय पीने के बाद बाहर। तो दोस्तों ये पीछे देख रहे हो गोवर्धन पर्वत है ऐसे, तो चलते हैं अभी थोड़े से क्लोज चलते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी आपको क्लोज से दिखाता हूँ अभी यहाँ पर। तो दोस्तों इस पर्वत की विशेष बात ये है कि उससे बिना स्पोर्ट के, मतलब किसी भी सहारे के बिना, तो कृष्ण भगवान ने एक उंगली से उठाया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर रियलिटी आकर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट नहीं है यहाँ पर, जैसे कि उसे देखे सुनारे आप खाया था, तो कोई स्पोर्ट, कोई स्पोर्ट नहीं है यहाँ पर। कृष्ण भगवान ने सिर्फ एक उंगली से उठाया है, या पता नहीं कुछ कृष्ण भगवान की चमत्कार है या कुछ भी आप कह सकते हो इसको ऐसे। तो इस मंदिर के बारे में बताइए मुझे कुछ, कब मतलब इसकी स्थापना हुई, बोलो कुछ मंदिर के बारे में। 2001 में इसका शिलान्यास किया गया था कृपालू जी महाराज के द्वारा, जो 12 साल में बनकर तैयार हुआ। 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। दोस्तों जब मैं अभी जब पैदा ही हुआ था 2001 में, हाँ मैं भी पैदा ही हुआ था उस टाइम। हाँ तो जबकि 2012 से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, तब से ही पब्लिक बहुत आती है, देश विदेश से घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं, ज़्यादातर फॉरनर ही आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और तो हम तो फिर भी इंडियन ही है, इंडियन ही है। चलो तो चलते हैं फिलहाल मेन मंदिर के अंदर। सच हाँ, तो ये तो दोस्तों ये जूता घर है, जैसे कि देख रहे हो तो मेरा भाई ऐसे जूता जमा कराने के। तो दोस्तों फिर हम जाएंगे फिलहाल अभी इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो रात को लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, फिलहाल अभी जैसे लाइट जली नहीं है, फिर जलते हैं दोस्तों अभी अंदर यहाँ पर। दोस्तों हम बिना शूज उतारे जा रहे थे फिलहाल अंदर, जैसे कि वीडियो में इतना खो गए थे कि मतलब पूछे मत, भूल गए थे कि जूते भी उतारने होते हैं मंदिर के। तो फिलहाल अभी जूते जमा कराते हैं, तो फिर चलते हैं फिलहाल अंदर। अभी इसके अंदर जूते रखने हैं, उधर खाली है तो फिलहाल जूते रखते हैं, तो चलते हैं फिलहाल अंदर जमा कराने के बाद। तो फिर हम आ चुके हैं, अब की बार नहीं कोई रोकेगा फिलहाल, जैसे पहले रोका था। और चलो अपनी अपनी मिस्टेक थी, चलो वो तो वीडियो में इतना खो के पता ही लगा मैं खुद। अभी मोबाइल चालू करके जाएंगे तब रोकेगा वो, अंदर रोकते हैं ना, अंदर जाने रोकते हैं। चलो कोई ट्राई करेंगे, चलो दोस्तों फिर भी ट्राई करेंगे जितना मतलब हो सके, हम दिखाने की ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। तो फिलहाल अभी दिखाता हूँ तो फ्रंट का व्यू दोस्तों, काफ़ी भीड़ है फिलहाल। तो अभी वीडियो फिलहाल करते हैं बंद, और अंदर जितना हो सकता है कि शूट करेंगे वीडियो हम, चाहे चुपकी चलो आपके लिए, फिर भी चलो इतना कर सकते हैं। तो चलते हैं फिलहाल अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो फिर ट्राई कर रहे हैं हम जितना हो सकता है। तो आगे दोस्तों फिलहाल भी पूरा आगे दिखाते हैं बैक से भी। तो दोस्तों फाइनली बाहर आ चुके हैं, तो जितना मतलब शूट हो चुका, मतलब किया है मैंने जितना हो चुका मुझसे, तो फिलहाल अब चलते हैं जूते लेने। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा, तो उसके फिलहाल जूते लेने के बाद देखते हैं बाहर जाते हैं। अगर और कुछ भी कुछ देखने वाला होता है तो मैं दिखाऊंगा आपको फिलहाल यहाँ पर। तो दोस्तों के लिए वीडियो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली अब निकलने वाले हैं बाहर यहाँ से। तो दोस्तों तो ये सामने देख रहे हो ये एग्जिट गेट है यहाँ पर। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और तो राधे राधे जरूर लिखें। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट अगर ऐसे ब्लॉग हमारे आते रहेंगे, तो दोस्तों ऐसे ही घूमने आया था मैं, तो मेरे हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए फिलहाल बाय।